चलिए, सो वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ चंडीगढ़ मैट, चंडीगढ़ एनटीएससी मैट टीयर वन और स्टेज वन पेपर दैट वाज हेल्ड लास्ट ईयर. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन इज दिस. यू हैव टू फिल द ऑल्टरनेटिव बाय सीइंग द ऑप्शंस. आपको ऑप्शंस देख के बताना है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर. सर इन फर्स्ट इट इज इनटू 2 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 3 इनटू 2 प्लस 1 16 इज इक्वल टू 7 इनटू 2 प्लस 2 देन 35 इज इक्वल टू 16 इनटू 2 प्लस 3 राइट. 1 2 3 होता जा रहा है. सो द नेक्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू 74 विल बी इक्वल टू 35 इनटू 2 प्लस 4. द नेक्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू 74 इनटू 2 प्लस 5. अब सर 74 इनटू 2, अब देखो यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हो. इफ यू डोंट वांट, इफ यू आर लेजी इनफ दैट यू डोंट वांट टू डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो. बट अगेन दैट हैज टू बी, दैट विल बी रॉन्ग ओनली. आपको ये पता है कि 75 टू जा 150 होता है, तो 74 टू जा विल बी 148 या 150 से कम ही होगा. 150 से कम होगा और उसमें जब आप 5 ऐड करोगे तो द लास्ट डिजिट विल बी 5 एंड इट विल द लास्ट डिजिट विल बी 3 एंड इट विल लाई बिटवीन 150 टू 160. सो यू कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर हियर. और छोटी सी तो बात है यार, कैलकुलेट कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है. चलो let us move to, so this was the explanation of this question into 2 plus 1 into 2 plus 2 into 2 plus 3. This was how, this is how the trail was going on. So let us move to the next question. This is the next question. You have to tell me the answer of this question. Because as I already told you, this is one of the best question. I mean, this math paper is one of the best paper. Dekho bhai, yahan pe 38 hai na, isko 38 likh do aise hi. और 8 प्लस 3 कितना होता है, 11. तो 38 प्लस 11 कर दो, यू विल गेट 49. दूसरा नंबर 49. 4 प्लस 9 कितना होता है, 13. 13 इसमें ऐड कर, आंसर इज 91. आंसर इज 91. ओके, यू विल गेट 62. यू डिड विद द सेम लॉजिक और यू डिड विद डिफरेंट लॉजिक. 62 plus 6 plus 2 will be equal to 70. 70, yes sir, plus same logic. 7 plus 0 will be equal to 77. 77 plus 7 plus 7 will be equal to 91. So the correct answer of this question will be, my dear friends, 91. This is one of the strangest question that I have seen. One of the strangest question that I have seen, कि ऐसा भी logic होता है, मुझे नहीं पता था भाई. To be frank enough, मुझे नहीं पता था. और शायद अगर मेरे पास इस question का solution नहीं होता, तो maybe कुछ और दिमाग लगाते. ठीक है, चलो. But yes, this is the strangest question that I have seen. Everyone is getting the answer as 43, and the logic is very simple. 13 is equal to 3 into 4 plus 1. 21 is equal to 4 into 5 plus 1. 31 is equal to 5 into 6 plus 1. 43, it should be 43, which is equal to 7 into 6 plus 1. But the issue is 43 कोई भी option नहीं है, घबराने का नहीं. इस type का अगर case आता है, question छोड़ देना, जो भी होगा वो सबके साथ होगा. Either they will give the marks to everyone or they will not evaluate that question. क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ना, कुछ नहीं आपके पास. कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था, जहां पे हाउ मेनी ऑरेंजेस या एप्पल्स जो भी था, उसमें रुपए. हाँ बोलिए सर. आई हैव वन मोर लॉजिक बट इट डजंट अप्लाई टू लास्ट टू नंबर्स. नहीं, बट देन वी कांट टेक इट ना. इफ इट शुड अप्लाई टू ऑल, इट शुड अप्लाई टू ऑल. बट टेल मी व्हाट इज दैट लॉजिक. Sir, if we see the difference between all the numbers, it is like 1, 9, minus 9, 1, plus 16, minus 16, 1, 25. Like that is proceeding. Like 1, then 3 square, then minus 3 square, then 1, then plus 4 square, minus 4 square.
then 1, then minus plus 5 square minus 5 square. Like that is proceeding. लेकिन यहाँ पे फिर लास्ट में आके वैलिड नहीं हो रहा है तो दैट वी कांट टेक, दैट वी कांट टेक. चलो बिकॉज इट्स कमिंग माइनस वन. ओह वी आर रॉन्ग, वी आर रॉन्ग. देखो भाई सवाल का आंसर हम सबने बोला कि सवाल का आंसर 41 होगा, 41 होगा, बट वी आर रॉन्ग. देखिए द क्वेश्चन फ्लोड अस, द क्वेश्चन मेड अस फूल. The correct answer of this question will be 13 is equal to 3 square plus 4, 21 is equal to 4 square plus 5, 31 is equal to 5 square plus 6, and last one will be 55, which is equal to 7 square plus 6. Now what should I do? क्योंकि सर मैंने जो लॉजिक लगाया था उससे मेरा आंसर थर्ड, उससे मेरा आंसर कितना आ रहा था 43. जो हमने लॉजिक लगाया था उससे मेरा आंसर 43 आ रहा था, एंड दैट वाज आल्सो सेटिस्फाइंग ऑल द गिवन कंडीशंस. देन व्हाट शुड आई डू इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स? आई विल सजेस्ट यू टू लीव द क्वेश्चन, नॉट टू वेस्ट एनी फर्दर मोमेंट. एक बार अगर आपके पास 43 आ जाता है, इफ इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द लॉजिक, देन एंड इफ इट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, लीव द क्वेश्चन. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सेकेंडली ईच क्वेश्चन कंटेन्स ओनली वन मार्क, तो एक मार्क के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का. पता चला एक मार्क के लिए टाइम वेस्ट किया, उधर के क्वेश्चन को भूल गए. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, मार्क नेक्स्ट वन एंड प्रोसीड अहेड, या जो भी दिखे उसको मार्क कर दो और आगे बढ़ो. ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड रिएक्ट हियर. बट द लॉजिक विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 13, 4 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 21, 5 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 31, एंड 7 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 55. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी प्रोसीडेड. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आसान सा सवाल था. अब देखो क्या हो गया, 1 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 4 क्यूब 5 स्क्वायर 6 क्यूब 7 स्क्वायर 8 क्यूब. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 व्हिच इज इक्वल टू 512. नेक्स्ट दिस वन. देखो यहाँ पे क्या करना है, ए के बाद बी को छोड़ा, सी आया, सी के बाद डी को छोड़ा, ई आया, ई के बाद एफ को छोड़ा, जी आया, जी के बाद एच को छोड़ेंगे, आई आएगा. स्टॉप फॉर ए मोमेंट, लुक एट द ऑप्शन. जब आप ऑप्शन को देखोगे तो ऐसा लकीली एट योर स्टेज फॉर स्टेज वन ओनली ऑप्शन नंबर वन और ओनली वन ऑप्शन इज स्टार्टिंग विथ 3 आई. सो मार्क दैट ऑप्शन एंड प्रोसीड अहेड. दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3. यस दिस इज टेस्टिंग योर IQ. यस दिस इज टेस्टिंग योर IQ. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज IQ. इसमें और कई सारे लॉजिक्स मिल सकते हैं, जैसे सर ए और वाई के डिजिट्स का सम हो रहा है यहाँ पे 26, बट दैट लॉजिक विल फेल क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके डिजिट्स का सम 26 होता है. सो इट इज गोइंग टू फेल, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर. तो आपको दूसरा आप ये कर सकते हो STUVWXY, यहाँ पे क्यू ही आएगा, क्यू से एस से एक लेटर पहला तो क्यू आएगा. सो दैट वे यू कैन सॉल्व इट. तो या तो फॉरवर्ड सीरीज से सॉल्व कर लो या बैकवर्ड सीरीज से सॉल्व कर लो, बट बैकवर्ड सीरीज से सॉल्व करोगे तो आपके पास फिर नहीं. ठीक है, बैकवर्ड सीरीज से आप सॉल्व कर सकते हो बिकॉज देर इज ओनली वन लेटर, ओनली नो लेटर इज कॉमन इन द बैकवर्ड सीरीज ऑल्सो. दस यू कैन सेव फ्यू ऑफ योर सेकेंड्स हियर. इन्होंने जैसे किया है, इन्होंने फ्रंट को भी सॉल्व किया, बैक को भी सॉल्व किया. आई डोंट गो बाय दैट वे. यू कैन सॉल्व बाय फ्रंट. लकीली, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड लकीली, इट विल नॉट बी ऑलवेज, बट हियर इट इज. तो क्वेश्चन करो, आगे बढ़ो ना यार. चलो नेक्स्ट.
अब आपको यहाँ पे रॉन्ग वर्ड या फिर ऑड वर्ड या फिर डिफरेंट टर्म को निकालना है. नाउ आई कैटेगराइज दीज क्वेश्चंस एज लिटिल बिट टफ, क्योंकि यहाँ पे कई बार हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा गलत है. वी आर क्लूलेस. चलिए बताएं. दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज वन. नाउ सी, टू कैन बी रिटन एज वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर. अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन लिखता है, क्या करूं, लिखना पड़ेगा. 12 कैन बी रिटन एज टू क्यूब प्लस टू स्क्वायर. 36 कैन बी रिटन एज थ्री क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर. 80 कैन बी रिटन एज फोर क्यूब प्लस फोर स्क्वायर. देन द नेक्स्ट टर्म should be 5 cube plus 5 square, which is equal to 150. So my dear friends, the wrong term was 152. This is how the question was to be done. These are the different set of logics that you might get while solving the questions. So this is also one set of logic. That is why I say that it is very very necessary to know your enemy before actually fighting with it. आपको at least पता तो चले कि आपको किस level की preparation करनी चाहिए. चलिए. See, I don't know what will be the answer, but I will tell you my approach कि मैंने क्या किया यहाँ पे. मैंने इस question को करने के लिए मैंने ये देखा कि options के सबसे पहले मेरी नजर options पे गई. तो मैंने जब options को देखा तो मुझे मिला 110 यहाँ दिख रहा है, 8 यहाँ दिख रहा है, और दूसरा मेरे को 565 दिख रहा है, और तीसरा मेरे को 27 दिख रहा है. इसका मतलब ये है कि 2 और 3 will always be correct. ये जो भी सीरीज है जिसका लॉजिक मुझे नहीं पता, लेकिन इस सीरीज के पहले दो टर्म्स 2 और 3 हैं. बाकी जो भी होंगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो पहले दो टर्म्स हैं वो 2 और 3 हैं. ठीक है सर. अब हम क्या करेंगे. नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई माई हेड एंड आई वॉन्ट टू राइट 3 इन टर्म्स ऑफ 2. सो द फर्स्ट ऑब्वियस थिंग दैट आई एम गेटिंग इज 2 into 1 plus 1. यस, 2 into 1 plus 1, दैट इज द फर्स्ट ऑब्वियस थिंग दैट आई एम गेटिंग. अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है. 8 को आई कैन राइट 3 into 2 plus 2. 27 को आई कैन राइट 8 into 3 plus 3. Then, यहाँ पे जो भी होगा that I can write 27 into 4 plus 4. जल्दी से मेरे को बताओ ये कितना आ रहा है. It should come as 112. अब मेरा लॉजिक ये है कि सर अगर 565 112 into 5 plus 5 आ जाता है तो मैं सीधे सीधे मार्क कर दूंगा 110 as the wrong option. तो देख लेते हैं भाई. नेक्स्ट विल बी 112 into 5 plus 5. Yes, it is coming out to be 565. So, my dear friends, 110 will be the wrong answer, wrong option of this question. The correct answer or the correct term, the wrong term in the question will be 110 going by this logic. Now, let us see what is the answer that the commission has given. Yes, they have also supported our point that 110 will be the wrong answer of this question. This is how I approach the question. Maybe you guys have a different approach, but the thing is you should solve the question quickly. Now let us move to the next question. Chaliye, bataye. See, it should be sir, but sir, but the logic that path said doesn't work. It is not working. No sir. देखते हैं उससे उसकी भी बात करते हैं अभी. See, the answer is 16 only. What you can do here in this question, देखो भाई 14 है ना. अब अगेन आई विल गो विथ माई प्रीवियस अप्रोच ओनली. मैं सबसे पहले उन टर्म्स को फाइंड आउट करूंगा डेट विल ऑलवेज बी करेक्ट. सो 12, 14 विल ऑलवेज बी 12, 14 एंड हियर 38. These three terms are always going to be correct. Baki terms ke bare mein mujhe koi idea nahi hai. Ab main kya karunga, I have to write 14 in terms of 12, or I have to write 14 in terms of 12.
अभी अभी हम लोग एक क्वेश्चन करके आए हैं जहां पे हमने लिखा था if I go by that logic then it should be 14 is equal to 12 into 1 plus 2 in that case 18 should be equal to 14 into 1 plus 4 in that case my next number should be equal to 18 into 1 plus 6 now that number is coming out that number should be 24 so here I am wrong या अगर 18 इंटू 1 प्लस 8 कर दो तो आई एम गेटिंग 26 हियर तो यहां तक मेरी बात चलती है मैं क्या कर रहा हूं मैं हर नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं सो माय नेक्स्ट नंबर शुड बी 26 इंटू 1 प्लस 16 नाउ हियर दिस इज बीइंग वायलेटेड एंड 38 विल ऑलवेज बी माय नंबर सो दिस लॉजिक इज इनकरेक्ट फिर क्या करें सर तो हमें क्या करना चाहिए What I should do is I should look at it in a different manner क्योंकि 14 को 12 के terms में लिखना है I know that 14 is equal to 12 plus 2 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 14 plus 1 into 2 लिख सकता हूँ मैं I don't have any problem then the next number I can write 18 is equal to 14 plus 1 into 4. Next, I can write 26 as 18 plus 1 into 8. 18 plus 1 into 8. Then I can write the next number 36 as the next number 38 as 26 plus 2 into 6. कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ. So basically what I am getting here is my series is 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 4 plus 1 into 8 plus 2 into 6 plus 3 into 8. So this will be the wrong term. But my dear friends, I'm not satisfied with this logic. Because it is continued. Because it is not working. How 74 is not. Yes, it is not working. It is not working. No, this is, it is working 74 equals to 62 plus 6 into 2. But how you are getting 6 into 2, 3 into 8, kaise aa raha hai? Iska logic. These are the numbers. So which these, are present in the given number. Like 30, these are the numbers which are present. These are the numbers 3, which are present in the number. देखो. Yes. देखो भाई. क्या हो रहा है यहाँ पे? ध्यान से समझने की कोशिश करो. देखो. यहाँ पे हमने क्या किया 14 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इंटू टू 18 इज इक्वल टू 14 प्लस 1 इंटू 4 नेक्स्ट 26 इज इक्वल टू 18 प्लस 1 इंटू 8 ठीक है नेक्स्ट दिस 38 इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू 26 प्लस 2 into 6. So in this way, my series is going on. So my correct answer of this question will be option number 4, that is 60. Yes, this was one of the best questions. Two questions हम लोगों ने किए थे. एक wrong number, एक series वाले में किया था. Question number 3 perhaps. और एक ये वाला question किया था. अच्छा, आप लोगों ने ये देखा. एक चीज आप लोगों ने नोट की. Logics are almost the same. वहां पे भी हम लोगों ने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया था यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसा ही करना है सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट यस अगर आपको नहीं पता है देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस इज वेरी इजी इसको तो सॉल्व हो जाना चाहिए जल्दी से थर्ड ऑप्शन श्योर यस सर थर्ड ऑप्शन ठीक है यस सर थर्ड ऑप्शन डिड दिस क्वेश्चन सर थर्ड ऑप्शन ही होगा क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ही सारी इस आर को अगर मैं बीच में लेकर आ जाता हूं तो इट इज क्यू आर एस टी यू अगर मैं इस आर के अकॉर्डिंगली अगर मैं बी को यहां पे लेके आता हूं तो इट इज ए ई डी सी पता नहीं क्या बन रहा है विच इज नॉट ए सीरीज
यहाँ पे लेके आता हूं तो इट इज एच आई एल के जे, पता नहीं क्या एपिसोड सा बन रहा है. सो द डिफरेंट थिंग हियर इज ऑप्शन नंबर थ्री. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर थ्री. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. Now this question, according to the paper, this question is having a wrong answer. But देखो करो, मिलेगा कुछ ना कुछ तो logic मिलेगा. The correct answer of this question will be anybody? See, your friend has said that sir option number three hoga, halaki it was wrong, but yes, she has almost given a logic. कभी कभी अगर आपके पास ऐसा question आता है जहां पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो क्या apply करना है, तो ध्यान से देखो क्या वो words jumbled होके कुछ लिखे हुए हैं क्या. The first letter, the first word is Haryana, the second is Chandigarh, the third is Rajasthan, and the fourth is Punjab. So here, यहाँ पे आप फिर भी second option mark कर सकते हो as the answer, because except Chandigarh, every other is a state, but Chandigarh is a union territory. You can mark option number two as a answer, but the logic that was given, I don't know what is the answer of this question. I don't know what was the correct answer of this question, but the logic that was given was option number four. And the reason that was given is every other word except option number four had three vowels. Like first mein kaun-kaun se vowels hain? A-A-A. Second mein hai A-A-I. Third mein hai A-A-A. And again, fourth mein, I'm having only two vowels, U and A. So the answer that was given was option number four. But again, a note was also written that this question was marked as a bonus. So the answer of this question was option number four, but I will go with option number two. I will suggest you guys to go with option number two. Agar kuch bhi na work kare, तब काउंट करना नंबर ऑफ वॉवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं. कुछ भी ना वर्क करे उसके बाद काउंट करना नंबर ऑफ वॉवल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट. अदरवाइज ट्राई टू गो विद ए वैलिड लॉजिक. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस लॉजिक इज नॉट वैलिड, बट दिस लॉजिक विल बी गिवन द लीस्ट प्रायोरिटी. एक हम लोगों ने टॉपिक किया था ना जहाँ पे हम लोग कॉन्क्लूजन्स की बात करते थे, कौन सा कॉन्क्लूजन ज्यादा फेवरेबल है, कौन सा कॉन्क्लूजन कम फेवरेबल है. दैट इज लाइक दैट. चलिए यहाँ बताइए, यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू फिल द सीरीज. ऑप्शन प्लीज फिर से बोलो. थर्ड ऑप्शन. ओके, ही इज सेइंग थर्ड ऑप्शन. व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, थर्ड ऑप्शन. यस सर, थर्ड ऑप्शन. चलिए ठीक है, देख लेते हैं. लेट अस सी द आंसर. Yes, the option is the correct answer is third option, and the series is A B B A A B B A A B B A A B B A. Is tarike se the series will go on. Let us move to the next question. हाँ जी बताएं. Yes, your voice is audible, but आपने बोला कब? अभी तो आपने कुछ नहीं बोला था. चलिए come on यार. सर ऑप्शन थ्री. ऑप्शन नंबर थ्री. ओके, ऑप्शन नंबर थ्री. योर फ्रेंड इज सेइंग ऑप्शन नंबर थ्री. Let us see the answer. So the pattern is like A A C B B C. A A A B B C A A A B B C A A A B B C. So the correct answer of this question will be, my dear friend, option number two.
The correct answer of this question will be option number 2, and it will be like that: AAA BBC, then it will be again AAA BBC, then it will be again AAA BBC. Let us focus on next question. Question number 3. I mean question number 30. Fourth option. Chalo. Let us wait for others. कोई और भी बता दो, फिर मार्क करके आंसर देख ले क्या होगा. कोई और नहीं बता रहा है. चलो let us see the answer. Your friend is saying that sir option number 4 will be the correct answer. No, my dear friend, you are wrong. The pattern is ABC, CAB, BCA, then ABC. It is ABC, CAB, BCA, then ABC, then again CAB, then again BCA, then again ABC, CAB, BCA. Is tarike se the pattern will repeat. Okay? So, the correct answer of this question, haan ji? बोलिए. Am I audible, sir? Yes, you are. So the correct answer of this question will be option number 2 rather than option number 4. ठीक है, चलो let us move to the next question. घबराने की जरूरत नहीं है. 100 में से अगर एक दो क्वेश्चन गलती से गलत हो भी जाता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आगे आने वाले क्वेश्चंस आसान होंगे और इजीली सॉल्व भी होंगे. तो अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम गिविंग यू गाइज वेरी लेस टाइम. नेक्स्ट चलिए बताए. एक सेकेंड, देयर इज समथिंग सम इशू हियर. ओके, दो स्लाइड गायब हो गए. चलो कोई बात नहीं, दो क्वेश्चंस गायब हो गए दैट आई विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट टर्न. हाँ चलिए बताएं. देखते हैं इसका कौन आंसर देता है. दिस क्वेश्चन, दिस पेपर हैज ब्रिलियंट लॉजिक्स, बहुत अच्छे लॉजिक्स हैं इसमें. So option 431. Very good. How? Tell me how. Let us see the answer of this question. We are getting option number 4 as the answer, and our logic is ye jo 1 hai, ye jo 1 hai, this is basically the difference between the first two letter. Sorry, this is basically the difference between first two letters, which is here 1. And ये जो टू है, it is the difference between the first letter and the first word, I mean the first number and the third number. तो यहाँ पे वन और टू इस तरीके से आया. Going by this logic, यहाँ पे the tens place will be 5 minus 2, which is 3, and the units place will be 5 minus 4, which is equal to 1. Fine. My logic is this 12 can be written as 3 square plus 2 plus 1, and this going by the same way, this 31 can be yahan pe aayega 5 square plus 2 plus 4, which is equal to 25 plus 6, which is equal to 31. So we are getting the answer is 31. Now let us see what is the correct answer. Sir, the correct answer is 31 only. The correct answer is 31 only. I think Rajdeep, why your logic was not given. चलो यहाँ पे तो 3 2 1 आपको समझ में आ रहा है कि 3 minus 2 आपने 1 कर दिया और 3 minus 1 आपने 2 कर दिया, बट व्हाट इफ द नंबर इज समथिंग लाइक दैट. इन दैट केस इट विल बी नेगेटिव. इन दैट केस इट विल बी नेगेटिव. अगेन द थिंग इज कि आई कांट से वेदर द सेम लॉजिक विल अप्लाई हियर और नॉट, बट यस यू कैन अप्लाई दैट लॉजिक देयर. You can apply that logic. आप अपने logic को भाई आपका आपको तो इस number से deal करना है ना. यहाँ पे deal हो, यहाँ पे apply हो रहा है, बस just forget it and move ahead. Why you are worried about other things? Don't be worried about other things. दूसरा question आएगा, दूसरा logic देखेंगे, फिर apply करेंगे. यहाँ पे नहीं करना है apply. यहाँ पे I will go by your method also. I will go by this method also. And your method is also unique.
अगर इसके अलावा कोई और नंबर होता जहां पे 1, 2, 3 दिया होता और उस केस में अगर निगेटिव आता तो फिर मैं आपके लॉजिक को डिस्कार्ड कर देता, क्योंकि इफ यू आर अप्लाइंग अ लॉजिक एट वन प्लेस, if you are applying a logic at one in one case, then it should apply to all other cases also. Please remember this thing. If you are applying a logic to one case, then it should apply to all other cases also. Next question. Wait, let me clear something. Few things let me clear. हाँ जी बताएं. What you have done is you have almost solved the question. See, ये जो 23 है, ये 127 है, directly तो इन दोनों में कोई relation है नहीं, ठीक है सर? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मैं फिर से 23 के पास गया, मैं फिर से 127 के पास गया कि भाई कुछ तो logic है, तभी सवाल दिया गया है. This 23 is basically 5 square minus 2. This 127 is basically 5 cube plus 2. अच्छा चलो आगे देखते हैं, इट शुड वर्क देयर आल्सो. नेक्स्ट इज 47. 47 देखा तो आई वाज वेरी हैप्पी, इट इज 7 square minus 2. माय ऑल द लॉजिक्स आर वर्किंग, सो माय नेक्स्ट ऑप्शन विल बी 341. इट विल बी 341. एक्साइटमेंट में गलत आंसर मत मार करके आ जाना. इट विल बी 341. सॉरी 345 only. It will be 7 cube plus 2. See, this is what happens when you have a very nice students. Bola excitement mein galat answer mark mat karo, and I was marking wrong answer because I was more focused on explaining. So the thing is, it will be 7 cube plus 2, which is equal to 345. I know my students can take care of such small mistakes. So it will be. One moment. Bataye. Please tell me. Sir, 127 plus 23 is equal to 150, and 127 minus 23 is equal to 104. So when we find the difference, it is 46, and 46 is double of 23. Similarly, when we apply this method on 47, the answer I am getting is 345, because the sum is 392 and the difference is 298. Okay. So basically you solve this question by you are getting answer as 345 only, na? So you are getting the correct answer. See, no, sir, this method is not applicable everywhere, sir, because if let's say 40x the question mark is 100, then also sir this method is applicable. If 47 and 100 difference is 43. 47, 100 minus 47, the difference is 53. Yes, sir, I could not understand what he said. See, he's saying, ki sir, maine sabse pehle, I'm sorry. मैंने सबसे पहले 127 और 23 को ऐड कर दिया तो आई गॉट 150. ठीक है, वेरी गुड. फिर सर मैंने क्या किया, इन दोनों को का डिफरेंस निकाल दिया तो आई गॉट 104. अब मैंने क्या किया सर, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल दिया, सो आई गॉट 23. अप्लाइंग द सेम लॉजिक, मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया, सो आई एम हैविंग 47 प्लस एक्स, और पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस 47 माइनस एक्स, That should be equal to how much? 94. That should be equal to 94. Yes. It is coming out to okay. That should be equal to 94 because it is coming out to be 2a. So in that case, lekin beta isse to x ki value 47 hi aa rahi hai.
Sir, for any case, it would be double the number. No, one second. There is 100. एक मिनट. Let me try to understand how he did later on. बेटा आपने, can you please re-explain the second part of your method? आपने 47 plus, हाँ बताइए. Sir, actually I have found the answer to options that first I took 347, so I add 47 to 345. So I got 392. Then I subtract 47 from 345. Then I got 298. Then I subtract both of these and I am getting 94. And means 94 is the only answer. Okay, you are getting 94. So sir, any value of this question mark, this method is applicable. Like if we take 47 plus x minus 47 minus x, say it would be always be 94. Because x would get cancelled. एक मिनट बेटा हाँ yes. This is what I also wanted to know. See, यहाँ पे देखो पार्थ यहाँ देखो अपन ने क्या किया है, अपन ने 23 प्लस 127 किया था, डेट वॉज 150. फिर अपन ने 127 माइनस 23 किया था, डेट आई गॉट एज 104. एंड फाइनली आई गॉट एज विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 23. वेल एंड गुड, वेरी गुड, आई एग्री विथ यू. बट द प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज, माई डियर फ्रेंड, दैट दिस मेथड इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंड नंबर. दिस नंबर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंड नंबर. आप कोई भी वैल्यू ले लो, you will get it as 2 times of 47 only. Try. Agar aap yahan pe 423 loge, then also you will get it as independent of 423, because here it is, here the problem is. यहाँ पे अपन ने क्या किया, 47 प्लस x माइनस ऑफ x माइनस 47 किया, सो दैट इज गिव, दैट विल ऑलवेज गिव मी द आंसर एज 94. That will always give me the answer as 94. That is the problem, because it is yahan pe minus x hai, yahan pe plus x hai. Plus x and minus x are getting cancelled. That is why I am getting 2 times of a. Theek hai? I hope you understood the logic, right? The correct logic of this question was, very simple. 23 is just 5 square minus 2. 23 is 5 square minus 2. 127 is 5 square plus 2. And in the similar way, the answer will be 7 cube plus 2, which is equal to 345. Excitement में 341 mark मत कर देना. देखो दोनों options दिए हुए हैं, ठीक है? तो don't get excited and mark a wrong answer. This is the next question. Tell me the answer. Two seven two five second option. Very quick. Yes, sir. Very quick. Tell me how. Sir, 2 cube 8, 4 okay. square 16. Very good. 8, 1, very 6. Good. Very good. समझ गया भाई, समझ गया. भाई देखो, these questions are something different. ये questions वो normal questions नहीं है जो अपन ने हरियाणा के पेपर में किया था या जो अपन ने दिल्ली के पेपर में किया था. यहाँ पे कुछ तो logic अलग है भाई. देखो 24, 816. अब यहाँ पे 24 और 816 में या तो रिलेशन ढूंढते रहो, 20 से मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई करो, ढूंढते रहो भाई क्या रिलेशनशिप है, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ. ये जो 8 है, अब इसको 816 को आई कैन राइट इट लाइक दिस, 8, 8, 16. दिस इज बेसिकली 2 क्यूब, दिस इज बेसिकली 4 स्क्वायर. यहाँ पे लिख दो ना यार, 3 क्यूब and 5 square, which will be equal to option number B, that is equal to 2725. Reasoning ke questions mein koi valid or ya invalid logic nahi hota hai. Aap ye bhi bol sakte ho, sir, what absurd thing is this? Ye kaun sa logic hua? Hum kya kare? Logic to logic hota hai bhai. Where I am wrong? I am not wrong anywhere. That is why reasoning becomes little complicated. Theek hai sir?
ये हो गया आंसर. और एक बात आपको बताता हूं, दोज हु आर गुड इन सोचो सर 410. ओके 410. टेल मी हाउ सर. आर स्कोर इज 18 एंड पी इज 16. सो इफ वी डिवाइड बाय 2 देन इट विल बी फॉर आर इट वुड बी 9 एंड फॉर पी इट वुड बी 8. सो द नंबर इज रिवर्स्ड. 98 होगा उसको उल्टा कर दो 89 हो जाएगा. पी का होता है कितना होता है 10 और H का होता है 8. तो सॉरी T का होता है 20. 20 को 2 से डिवाइड करो तो मिलेगा 10. H का होता है 8. 8 को 2 से डिवाइड करो तो मिलेगा 4. आइडियली इट शुड बी 104 बट हमने अभी देखा था कि नंबर को रिवर्स कर रहे हैं. सो द आंसर विल बी 410. यस दिस लॉजिक इज परफेक्टली ऑल राइट. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देख लो भाई, this is the they have given some different logic but the thing is the idea is same only. No, they have also given the same logic. And the idea is the same only. Chaliye next. Ab yahan aaiye. Sir, fourth option. Fourth option. Tell me how. Sir, basically numbers are multiplying. Here 23 and 24 are there. So 2 into 3 is 6. 2 into 4 is 8. So 6 into 8 is 48. So following the same pattern, 3 into 4 is 12. 1 into 7 is 7. So 12 into 7 is 84. Very good. See, what she has done is 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8, 6 8s are 48, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9, 6 9s are 54, 3 into 4 is 12, 1 into 7 is 7, so here it will be 84. Different questions. Abhi tak jitne bhi box wale questions kiye hain, मिसिंग कैरेक्टर वाले क्वेश्चंस किए हैं, ये लॉजिक कहीं नहीं देखा था मैंने, तो नहीं देखा शायद. आप लोगों ने देखा हो तो पता नहीं. डिफरेंट क्वेश्चंस. चलिए नेक्स्ट. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेट लेट मी क्लियर सम स्पेस. हाँ स्पेस क्लियर करने के लिए यहां से आना पड़ेगा. हाँ जी चलिए बताएं. Last question of the day. Rest questions we will do in the next turn. Come on. Chalo, koi baat nahi. Aap logon ne itne questions mein help ki, main aapki ek question mein help kar deta hoon. मैं आपकी एक क्वेश्चन में हेल्प कर देता हूं. कर दूं या छोड़ दूं? सी देयर विल बी टू, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर. इफ आई गो विद द लॉजिक, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दे हैव रिटन ऑल द प्राइम नंबर्स. 37 इज अ प्राइम नंबर, 61 इज अ प्राइम नंबर, 71 इज अ प्राइम नंबर, 47, 53, 41, 59 क्वेश्चन मार्क एंड 43. सो द क्वेश्चन मार्क विल बी ए प्राइम नंबर ओनली. द क्वेश्चन मार्क विल बी ए प्राइम नंबर ओनली एंड द क्वेश्चन मार्क विल बी 67. It will not be 29. There are two possibilities. Either it can be 29 or it can be 67. Because only these two are prime numbers. Pehli cheez. Dusri cheez ye, I will only consider 67. I will not consider 29. Because mujhe, ya yahan pe agar 37 se pehle wala prime number likha hota, agar yahan 31 likha hota, to shayad mujhe sochna padta.
बट यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, सो आई कैन सेफली से दैट दिस 37 इज द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स दैट आर रिटन हियर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इक्वल टू 67. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इक्वल टू 67. यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज है कि वाई आई हैव नॉट टेकन 29. अगर 29 की जगह यहाँ पे 31 होता ना बेटा, तो फिर प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकती थी. ठीक है सर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट